वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि हमारी सियासत का महवर अवाम की खिदमत है। खिदमत खलक हमारा ओढ़ना बिछोना है। खलूस नीयत से अवाम की खिदमत के लिए अवाम के साथ खड़े हैं और अवामी खिदमत के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि अपोजिशन वाले खुद सताइश में मुबतला बेरब तकरीने करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा कि अवाम की खिदमत के लिए भाषण नहीं बल्कि अवाम के साथ खड़ा होना पड़ता है। वफाकी बजट पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि बेहतरीन और अवाम दोस्त बजट पर उनकी मायूसी सबके सामने आया थी। शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए उस्मान बुज़दार ने कहा कि नाम निहाद लीडर आज भी वही भाषण दे रहे हैं जो वो पहले देते आए। कौम को पता नहीं चला ये बजट पर बहस का आगाज था या खुद नुमाई की झूठी दास्तान। पार्लियामेंट में राम कहानी सुनाकर कौम का कीमती वक्त जाया किया गया। बेमकसद और बेसिम तकरीरों से कौम की खिदमत नहीं होती। पाकपतन में अस्पताल रोड पर बिजली के खंभे पर अचानक आग भड़क उठी, जिससे मुतादिन मीटर और तारें जलकर खाकस्तर हो गईं। रेस्क्यू 11-22 ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, मगर वापड़ा की तरफ से 9 घंटे गुजर जाने के बावजूद बिजली को बहाल न किया जा सका, जिसकी वजह से रोड पर मौजूद मेडिकल स्टोर, लेबोरेटरी और करियाना स्टोर मालकान ने दुकानों को ताले लगाकर वापड़ा के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। अस्पताल रोड के तमाम मेडिकल स्टोर, लेबोरेटरीज बंद होने से अस्पताल में आए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। दुकानदारों का कहना है कि वापड़ा हुकाम अपनी बेहिसी को छोड़कर बिजली को फौरी तौर पर बहाल करें। एक्सियन और एसडीओ वापड़ा वाके का नोटिस लें।